कैसा है? देखिए, मोदी सरकार का जो ये कल बजट आया है, इस बजट को चाहे देश का अन्नदाता हो, देश की गृहिणियाँ हों, देश के युवा हों और कर्मचारी हों, ये लोग बहुत टकटकी लगाए देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अब की बार आए हैं, शायद वो कुछ अच्छा करेंगे। जो संकल्प उन लोगों ने पिछली सरकारों में जो लिए थे कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम विकसित भारत बना देंगे, विकसित राष्ट्र बना देंगे, उसको लेके कुछ ऐसी बात करेंगे, लेकिन जो कल का जो बजट आया, ये बहुत ही निराशाजनक बजट आया। देश का हर वर्ग इस बजट से बिल्कुल निराश हो गया, हताश हो गया, और वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो गया कि अगर इस सरकार का पहला बजट ही ऐसा आया है जिसके अंदर कोई विजन नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पास टेलीविजन है, जिसपे उन्होंने आज ये एक बिल्कुल निराशाजनक बजट दिया, पूरा देश इस बात के लिए निराश है, हताश है। देश का अन्नदाता किसान को यह कहा गया था कि तुम्हारी एमएसपी को दोगुना कर देंगे, एमएसपी का वादा करेंगे, एमएसपी का कोई भी बातचीत कल के बजट में नहीं हुई। 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार आज उन युवाओं को कहती है कि हम हर साल 20 लाख इंटर्नशिप देंगे। ये भद्दा मजाक है युवाओं के साथ, इंटर्नशिप। नरेंद्र मोदी जी, आप और आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट, आप पहले इंटर्नशिप लेकर आए कि सरकार को किस प्रकार से चलाया जाता है। एक आम घर का बच्चा अपनी डिग्री लेकर जब नौकरी के लिए जाएगा तो आप ये कहेंगे कि हम आपको पहले इंटर्नशिप देंगे? इंटर्नशिप देना चाहते हो आप देश के नौजवानों को? हजारों लाखों रुपए की पढ़ाई करने के बाद एक बच्चा इंटर्नशिप पे जाएगा? सरकार इंटर्नशिप देती है? इंटर्नशिप तो प्राइवेट सेक्टर में हुआ करती है। मोदी जी, सरकार को तो इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि आप अच्छे कॉलेज से, अच्छे विद्यालय से पढ़कर आओगे तो सरकार सुनिश्चित करेगी आपकी जॉब के लिए, आपके भविष्य के लिए। तीसरी बात, आप रसोई को ले लीजिए। रसोई के अंदर जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं, सुबह सूरज की किरण से उगने से पहले रात के सोने तक जो जो मूलभूत चीजें हम लोग अपने जीवन यापन के लिए यूज में करते हैं, आपने सबके रेट बढ़ा दिए, आपने सबके रेट बढ़ा दिए, देश पूरा देख रहा है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करेंगे, आज के समय में एक बहुत बड़ा तबका है, यह मान लीजिए कि कम से कम 10 करोड़ के करीब ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो बेचारे अपनी निजी कमाई से, ईमानदारी की कमाई से बहुत छोटे छोटे शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट में अपना छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने शेयर मार्केट के अंदर जो कल दिखाया तो इससे लोग घबरा गए, लोगों ने अपना पैसा डूबते हुए देखा। आपका ये क्या है, छोटे निवेशकों के ऊपर हो गया। अगर छोटे निवेशकों के परिवार वालों की बात करें तो तकरीबन 30 करोड़ लोग हैं जो कल इस बात से बहुत ज्यादा आहत हुए। अब आप बात कर लीजिए हिंदुस्तान की सेना के लिए, हिंदुस्तान की सेना का रक्षा बजट में आपने कटौती कर दी, रक्षा बजट में कटौती कर दी आपने, अग्निवीर का जो हिंदुस्तान की सेना को ठेके पे देने का काम किया, 4 साल का अग्निवीर योजना, आपने उसको वापस नहीं लिया। कल देश का युवा ये देख रहा था कि भैया रक्षा मंत्री जी इस 4 साल के कोटे को खत्म करेंगे, 17 साल की जो उनकी जॉब होती है उसको बहाल करेंगे, आपने कुछ भी नहीं करा। तो ये पूरा का पूरा बजट नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि वो अगले जितने दिन भी उनकी सरकार चलेगी वो देश के लिए कुछ कर नहीं सकते। अब बात करते हैं राज्यों की। आपने कल दोहरा चरित्र देखा होगा एनडीए की सरकार का। जिन लोगों ने बैसाखियां दी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, वहां पर तो आपने इतना पैसा बांट दिया कि उनको खूब खूब मौज करा दी है। लेकिन वही बात अगर हरियाणा की करोगे, वही बात आप कर्नाटका की करोगे, वही बात आप महाराष्ट्र की करोगे, वही बात आप बंगाल की करोगे, वही बात आप राजस्थान की करोगे, वही बात आप दिल्ली की करोगे, वही बात आप पंजाब की करोगे, आपके पास देने को कुछ भी नहीं है। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी आपको 7 सांसद दिए थे हरियाणा ने, 2020 के अंदर आपको 10/10 सांसद दिए थे हरियाणा ने, और 2024 के अंदर आपको 5 सांसद दिए हरियाणा ने, और आपकी 10 साल से सरकार भी है, आपके पास एक चवन्नी नहीं थी हरियाणा प्रदेश के लिए। और जबकि हरियाणा प्रदेश में तो यह कहा जाता है देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, आपने दूध दही के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो यह पूरा देश देख रहा है। हम तो एक चीज कहेंगे, ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है, ये बजट सरकार बचाओ बजट है, ये देश के कल्याण के लिए बजट नहीं है।
गरीबी रेखा को देखा जाए तो बजट में काफी लोग कहते हैं कि हमारे भी साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा बहुत सा तबका है जो आज के समय में दिन रात रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, अपने परिवार का लालन पालन अच्छा नहीं कर पा रहा है। सरकार जब बनती है, जो सरकार अपर लेवल क्लास लोगों के लिए काम करती है, वही सरकार को लोअर क्लास लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। अंत्योदय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, आप अपने उसी चीज पे आ जाते तो कम से कम आप लाइन में खड़े पिछले व्यक्ति को जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए कुछ बजट में आप लेकर आ जाते। आपने शिक्षा का बजट घटा दिया, आपने स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, आप हर चीज को घटा रहे हो, हर चीज को घटा रहे हो, हर चीज को घटा रहे हो, और अपने जानने वाले चंद पूंजीपति, चंद उद्योगपतियों को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ये देश इस चीज को स्वीकार नहीं करता। जी, अगर देखा जाए तो विपक्ष का कहना है बजट को लेकर कि इस बार का जो बजट है वो अंडानी अंबानी के लिए दिया गया बजट और कॉपी पेस्ट का जो है इसको नाम दे दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि इस साल का बजट जो है वो कॉपी पेस्ट के नजर? मैंने आपको नीतू जी, मैंने आपको शुरू में एक बात कह दी कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाओ बजट है, ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ बजट नहीं है। कोई विजन नहीं है, सिर्फ टेलीविजन है, और टेलीविजन पे झूठ का आप नंबर लगा है। आपने 15 लाख रुपए खाते देने की बात करी थी, आपने रिबेट के 15% बढ़ा दिए। आपने क्या घटौती करी इसके अंदर, आप मुझे बताओ। एक रिक्शा चलाने वाले को आपके इस बजट से क्या फायदा है? और सबसे बड़ी बात, ये लोग अपने आप को धर्म 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 चिल्लाते हैं, ये लोग प्रभु श्री राम का जो इन्होंने राजनीतिकरण किया, अरे आप वही सोच लेते। चुनाव से पहले आप लोगों ने अपनी आंखों से घड़ियाली आंसू बहाए, प्रभु श्री राम को याद कर करके घड़ियाली आंसू बहाए। अयोध्या के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, आप लोगों के पास विजन कुछ भी नहीं है। मोदी जी के पास सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन है। इनकम टैक्स रिबेट की अगर बात की है, वो बढ़ाई गई है। आप इनकम टैक्स की रिबेट तो बढ़ा दो, लेकिन आपके देश के लोगों की इनकम तो बढ़ाओ। आपने एमएसएमई की बात कर दी, एमएसएमई पे हम लोग लोन देंगे। भाई, एक व्यक्ति को आपने लोन दे दिया, लोन देने के बाद उसकी तो किस्त बन गई। अगर वो कोई नया काम करने जाएगा, नया काम करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट उसके सामने खड़ा है, उसके पास वो कोई भी सामान खरीदना होगा, अपनी दुकान चलानी होगी, उसको सबसे पहले सामान खरीदने के लिए जीएसटी पे करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद टैक्सेशन आपने इतना बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन इतना बढ़ा दिया आपने, हर 2 किलोमीटर के बाद टोल लगा देते हो आप लोग। तो छोटा व्यापारी को जो एमएसएमई अपना लेके आपसे लोन लेके, मुद्रा लोन लेके अपना काम चलाएगा, अपना व्यापार करेगा, तो वो जितना उसकी किस्त है उसे दुगना तो टैक्स आपको दे देगा जब तक उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। एक पेन बनाने वाला व्यापारी, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री अपने पेन की एक एक कीमत लिखती है। निब में इतना खर्चा आया, शाही में इतना खर्चा आया, डाई में इतना खर्चा आया, पैकेजिंग में इतना खर्चा आया, ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा आया, और आगे रिटेलर तक पहुंचाने के लिए या होलसेलर तक पहुंचाने के लिए इतना खर्चा आया, तब जाके वो अपने पेन की कीमत निर्धारित करता है। और देश का भाग्य विधाता, देश का अन्नदाता आपको कहता है कि मेरे फसल के दाम दे दो, तो आप कहते हो कि कुछ भी नहीं है, दाम मांगने जाता है तो उस पर गोली चलवा देते हो। तो ये सारी चीजें देश ने देख ली। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, सरकार बचाओ टैक्स है और कुछ नहीं।